दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक शू किस तरीके से काम करते हैं। किसी भी ट्रक के अंदर, बस के अंदर, ट्रैक्टर के अंदर या मोटरसाइकिल रहते हैं उनमें अधिकतर इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक शू का यूज किया जाता है। इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक शू को ड्रम ब्रेक भी कहते हैं। दोस्तों, ये ड्रम रहता है ना, उसके अंदर की साइड ये ब्रेक लगे रहते हैं, ठीक है, ब्रेक पैड लगे रहते हैं। उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास ये ऑटोमोबाइल है, बच्चे आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सब चीज़ चेक करते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक शू जो ट्रक और बस के अंदर लगे रहते हैं उनका किस तरीके से काम किया जाए। चाहे बस में हो तो इसकी एप्लीकेशन तो सेम ही रहता है और पार्ट्स भी सेम लगे रहते हैं, बस कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये आपको ऊपर दिख रहा, ये ब्रेक पैड रहते हैं, ब्रेक शू रहते हैं, दिख रहा होगा, एक नीचे रहता है, एक ऊपर रहता है। तो दो ब्रेक शू इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। अब ब्रेक शू दो टाइप से कनेक्ट होते हैं, एक तो रहता है आपको दिख रहा है, एक एंकर पिन से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, और दूसरा रहता है जो ऊपर की साइड कनेक्ट रहते हैं, वो रहते हैं आपके कैम एंड फ्लोवर से कनेक्ट रहते हैं। कैम शाफ्ट कैम लगी रहती है, कैम एंड फ्लोवर से ये ऊपर नीचे होते हैं जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं। इसके अंदर पर दो ये एक स्प्रिंग लगी रहती है, स्प्रिंग क्या करती है, इसके अंदर जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करा, स्प्रिंग इसके ऊपर टेंशन क्रिएट हुई, जैसे ही हम ब्रेक पेडल को छोड़ते हैं तो इस स्प्रिंग की वजह से ये ब्रेक शू अपनी पोजीशन पर वापस हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से देखो आप, इसके अंदर जो दो ब्रेक शू रहते हैं, ठीक है, ब्रेक ए बोलते हैं और सेकेंड को ब्रेक बोलते हैं। अब जो ब्रेक शू रहती है इसकी जो लाइनर रहती है ना दोस्तों, ये क्या रहती है, रॉ मटेरियल की बनी होती है, ठीक है, जो कंपनी भी इसके मटेरियल का नाम नहीं बताती है। तो अब ये किस तरीके से वर्क करते हैं तो मैं आप इसको वर्क करके बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो मास्टर सिलेंडर रहता है, ठीक है, मास्टर सिलेंडर के अंदर ब्रेक ऑयल डाला रहता है। जैसे हम ब्रेक पेडल को दबाते हैं तो ब्रेक ऑयल का प्रेशर आता है, इधर की साइड से आएगा, फिर ये क्या रहेगा, इधर की साइड आएगा। तो मैं इसको करके बताता हूँ, जैसे ब्रेक पेडल पुश करता है, ये कैम एंड फ्लोवर इसको अंदर हुई, अंदर होने के बाद क्या रहता है, इसके ये एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड होने के बाद ब्रेक शू एक्सपेंड हुआ है और ये ड्रम को रोक देते हैं और पहिया को रोक देते हैं। जैसे हम इस लीवर को अपनी पोजीशन पे जैसे ब्रेक पेडल हटाते हैं तो ये रिटर्न स्प्रिंग रहती ना उसकी, इसको कैम एंड फ्लोवर को अपनी और जो ब्रेक शू रहता है उनको अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर ले आती है और ब्रेक लग जाते हैं। और इसके बाद जैसे ब्रेक पेडल पर हम पैर हटाते हैं तो रिटर्न स्प्रिंग के द्वारा से ब्रेक शू वापस अपनी पोजीशन पे जाते हैं और ब्रेक लगना बंद हो जाता है। इस तरीके से ये बस में, ट्रक में, चाहे मोटरसाइकिल हो, इस तरीके से ये मैकेनिकल ब्रेक शू काम करते हैं, यानी इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक इस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, JP University, पुणे, मध्य प्रदेश। थैंक यू।